स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत जीवन दीप समिति एवं वैक्सीन वाहक में कार्यरत कर्मचारियों ने अल्प मानदेय दिए जाने से नाराज कर्मचारियों ने कलेक्टर दर पर मानदेय देने की मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की बात कही है। आपको बता दें कि स्लीपर वार्ड आया और भित्त वाहन चालक, एएनएम स्टाफ, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, रसोईया, ऑटो अटेंडर, नल अटेंडर, वैक्सीन वाहक जैसे पद पर कार्यरत लोगों को लंबे समय से अल्प मानदेय दिया जा रहा है। इन्हें कम मानदेय मिलने से परिवार का भरण पोषण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं 2,000 दे रहे हैं, कहीं 3,000 दे रहे हैं, तो कहीं 1,500 भी दे रहे हैं, वो भी 3-4 महीने के अंदर मिलता है रिटर्न। तो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक है और आज के डेट में महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बढ़ती जा रही है और हम लोग का समस्या बहुत, हमारा परिवार इसी में जीवन यापन करते हैं, पर सरकार हमारी बात नहीं सुने, ना तो कलेक्टर ना हमारे DMO CMO कोई सर नहीं सुन रहा। हम चाहते हैं कि हमको कलेक्टर दर ही देवे, कम मिल पा रहा था, 5,000 मिल रहा था, जितने बच्चे लोग का भविष्य भी बनाना है, गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो कैसे कैसे घर चलाते हैं आप लोग? चलाते हैं सर, कैसे तो आपको क्या कलेक्टर दर पर वेतन मिलना चाहिए, इसकी मांग कर रहे हैं? हाँ, इसकी मांग कर रहे हैं।